भक्ति में वृद्धि पकड़ी जाती है और योग में वेदांत वृद्धि शांत की जाती है और वेदांत में वृद्धि का बाहर होता है, प्यार होता है, वो साधारण लोगों की वृद्धि है ही। ये जो आजकल का आधार प्रचार का चलता है, ये तो जीविका का साधन है। वेदांत पर व्याख्यान दे दो, डेढ़ हजार पाउंड लो, एक घंटे का व्याख्यान दो, बाघ में खरी शब्द खरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदिकांत गुप्त मुक्त के लिए। लोग चंदन टीका ज्यादा देखते हैं तो ज्यादा आदर करते हैं, माला वाला ज्यादा देखते हैं तो ज्यादा आदर करते हैं, जैसे कहीं फंसे हुए। तो लाज समझ जो है ना, वही तो दोहने के लिए होता है। आखिर तो दूरी जाती है। समझदार लोग अगर ना समझो को ढूंढे, दुकानदार लोग बेवकूफ ग्राहकों को ठगे हैं और समझदार ग्राहक दुकानदार को लूटे हैं, तो व्यवहार क्या होगा? ये सब लूटपाट का ही व्यवहार है। अरे घोड़े को बढ़िया खिलाते हैं, पानी में जोड़ते हैं, बैल को बढ़िया खिलाते हैं, घर में जोड़ते हैं, ऐसे दुनिया एक दूसरे को जोड़ रही है, मीठा मीठा बोलते हैं। महात्मा कहते थे महाराज जी, अंधों का माल तीन भेद खाते हैं। अच्छा, अंधे का माल तीन तीन भेद। अच्छा, आप और थोड़ा कम। ये सब व्यापार एक प्रकार का व्यापार है। सचमुच का जिज्ञासु होना मुश्किल, क्योंकि जिज्ञासु यदि अपने को सही मान के बैठा है और जिज्ञासु मानता है तो जिज्ञासु नहीं है, वो ठग है। तो समझते ही नहीं है कि जिज्ञासु क्या होता है। दो स्थिति हो सकती, या तो इतना मूर्ख है कि जिज्ञासु क्या होता है इससे, या इतना धूर्त है कि अपने गुरु जी को भी धोखा देना चाहता है कि मैं जिज्ञासु। उसको चाहिए कमरा, उसको चाहिए भोजन, उसको चाहिए आराम, उसको चाहिए कपड़ा, उसको चाहिए संसार की सुविधाएं सब। तो वो स्वयं सुविधा का उपभोग करता है और अपने को जिज्ञासु दिखा करके गुरु जी को, मन में तो जिज्ञासा है नहीं, मन में तो पकड़ है संसार की। मोक्ष को साथ जिसको कहते हैं, वो साक्षात्कार व्यक्ति, ये कोई मुझे ही मामूली चीज नहीं है। तो करते नहीं, पैसा लेने के लिए नहीं करते। अरे बाबा, प्रतिष्ठा लेने के लिए करते हो, आदर लेने के लिए करते हो, ये जाहिर करने के लिए करते हो कि लोग कहें कि ये बड़ा भारी ज्ञानी है। उपदेश होते तो अपने शरीर को बड़ा भारी ज्ञानी बनाने के लिए तो करते हो। सारी सोच तो शरीर पर ही बैठती है ना, माने अपने शरीर को ही बड़ा बनाने के लिए सारा शरीर है। नाम के लिए, यशु के लिए, और किसी को कोई लड़का अपने को बहुत बुद्धिमान दिखाता है कि हमारा अच्छा ब्याह हो जाए, कोई बहुत बुद्धिमान दिखाता है कि हमको अच्छी नौकरी मिल जाए, कोई कहता है हमको लोग खूब अच्छा समझे। अपने ऊपर तो नजर ही नहीं, लोग हमको क्या समझे यही तो सोचते हैं ना।
ये परमार्थ का जो मार्ग है वो बहुत ईमानदार और बहुत समझदार के लिए, और कहो तो क्या कहा धोखा कहाँ है। यदि तुम स्वयं जो धोखा दे रहे हो उसको नहीं समझ पाते हो, धोखा दे रहे हो, धोखा खा रहे हो और उसको अपनी बुद्धि से समझ नहीं पा रहे हो, तीन दिन के लिए अखबार में नाम सत्या और तीन दिन में तारीफ कर रहे हैं, इसी के लिए रो रहे हैं ना। जो भाई अगर खास को बदल दे काम कर्म होता है कि संध्या वंदन से चाहे कोई लाभ होता हो करना चाहिए, उसका निष्ठान करना। ये बस सोचो कि संध्या वंदन करने से क्या फायदा होता है, ये सोचो कि ये हमारा कर्तव्य है, इसको हम नहीं करेंगे तो क्यों करेंगे। तो पहले ही दिन कोई निष्ठान नहीं हो जाता है, ये तो पढ़ के नीचे व्याख्यान होके आए सुन के आए और उसी दिन निष्काम हो गए। और दुकान पर बैठ के बेईमानी का व्यापार कर रहे हैं निष्काम भाव से, बच्चा पैदा होते जा रहे हैं निष्काम भाव से, झूठ बोलते हैं निष्काम भाव से, ये सब निष्कामता की विडंबना है। जैसे दुष्टों के वाहन कर जी के वाहन बैल है, ये केंद्र का वाहन हाथी है, तो इसे किसी का बोझ इसको ढोना ही पड़ेगा ना, वो देवताओं का पशु हो, देवताओं का पशु है। साम्राज्य पद पर बैठना, स्वराज्य पद पर बैठना, तो महाराज जब तक दूसरे की जरूरत रहेगी, दूसरे का संबंध रहेगा, दूसरे की सत्ता रहेगी, वहां तक स्वराज्य पद की प्राप्ति नहीं होगी। हमारे इसमें पत्र कहते थे श्री चंद्र के पास बड़ा भारी सरोवर है, मीलों लंबा मीलों चौड़ा, पानी से लबालब भरा हुआ, और वो बैठता है उसके किनारे, और वो एक दूध लेके चिंता लेके उसके किनारे बैठता है और उसमें से सुबह के चिंता लेके पीता था। तो देखो मैं कितना उदार हूँ, तो जिसके पास 100 रुपया है तो 1 रुपया दान करता है, तो अपने धन का 100वां हिस्सा उसमें दान, और जिसके पास 1 अरब रुपया है उसमें 100 रुपये का या 1000 रुपये का दान दिए, तो कौन सा अपन संपदा का कौन सा हिस्सा दिया। अखबार में सतहगा कि ये बड़े भारी कारखान है, ये लोग चांदी का रुपया देते हैं ब्राह्मण गोरे वाला, तो 100 रुपये में 2 रुपया कुछ कुछ पैसा मिलता नहीं, 100 रुपये का नोट बाजार में जाओ कि चांदी का 2 रुपया लगता, अब 100 रुपया दिखा के देंगे कि हमने 100 रुपये का दान किया और वो दान हुआ 2 रुपये। अच्छा, और जैसे पहले 1 रुपये का शेर भर भी हमारे दर्शन में, और अब जो है अब
कितने का सवा सेल घी मिलता है? 50 रुपए का। महंगाई कहाँ है, महंगाई कहाँ है? वही चांदी का रुपया दो, चांदी का रुपया दो, उसकी भाव में मिलेगी। वही गेहूँ है, वही गुड़ है, वही दूध है, वही घी है, उसी भाव में चल रहा है। महंगाई आ रही करो, महंगाई महंगाई करो। कहाँ महंगाई आ रही? अरे भाई पाओ तो कुछ छिपा के तो रखा होगा, कुछ चांदी कुछ सोना छिपा के जो स्त्री न रखे उसको बेवकूफ मानना चाहिए। हर स्त्री के पास कुछ न कुछ चांदी कुछ न कुछ सोना रखा होता है और किसी काम नहीं आता है। बाबा ने सुनाया था कभी कोई साधु थे रामघाट में, सफेद कपड़े वाले, उनके पास एक चीजें आती थी तो वो गिन्नी लेकर रखते थे, 20-22 गिन्नी उनके पास हो गई। अब जब वो चेले लोग भी बहुत थे, मालूम भी था कि इनके पास 20-22 गिन्नी, उन दिनों में बहुत था समझे, 15 रुपए की एक गिन्नी तो हमारे समय में 15 रुपए की 17 रुपए की एक गिन्नी, चांदी के रुपए थे। अब कुछ सुनते हैं 1,500-2,000 की एक गिन्नी होती। जब साधु मरने लगे तो सोचा कि अब तो हम मर जाएंगे, किसी काम नहीं आ रही, तो हलवा बना के और लपेट लपेट के सब गिन्नी खा ले। मर गए तो केला लोग ढूंढे कि गिन्नी कहाँ गई, तो नहीं मिले, नहीं मिले तो जो सफेद कपड़े वाले साधु थे उनको मकान में ले जाके जलाया, जलाया तो वहाँ बाद में जब अच्छी चयन हुआ तो उसमें से वो गिन्नी जो है 20-22 गिन्नी से ऊपर निकले आए, उसे गरीब नहीं थी। तो ये हुआ कि अब ये तो मकान का संबंध हो गया, अब किस काम आ गए। तो ये हुआ कि अच्छा इनका भंडारा इससे कर दिया जाए, बाबा ही सुनाते थे तो उनका भंडारा व्यंजन में बहुत हो सकता था, सैकड़ों लोग खा सकते थे। अब महाराज पूरी हलवा बना, साग बना, उन लोगों को निमंत्रण दिया गया, साधु ब्राह्मणों को। तो महाराज न जाने कहाँ से 100-200 कुत्ते आए और वे एकदम घुस गए भंडारे में और जाके सब जूठा कर दिया, आया तो जूठा किया, लड्डू पूरी सब कुत्तों के काम आई। ऐसे ही जो लोग महाराज उसको अच्छा हम तुम्हें परमात्मा को पाना है कि आचार्य बनना है कि अवधूत बनना है कि पंडित बनना है कि दुनिया में कोई ऐसा काम कर जाना है कि जो किसी तुम्हारे सिवाय और किसी ने न किया हो न करे, एक मन में व्यामोह ही बना रहता है। जब तक चित्त निर्वासन नहीं होगा तब तक उपनिषद का जो सिद्धांत है वो कभी अनुभव रूप नहीं होगा। और निर्वासन होने के लिए धर्मानुष्ठान आवश्यक है, योगाभ्यास आवश्यक है, भगवान की भक्ति आवश्यक है, ये संसार की वासनाओं को मिटाने के लिए साधन है। एक महाराज कृषि नजर से देखने वाली दुदाई आ जाए तो सारा त्याग मेरा निर्मत में हो जाता है। ऐसे पागल होते हैं, मैंने पागल होते देखा है, पागल होते हैं। आपको अगर एक साधु का कभी कभी आता भगवान का काम से मैं पागल हो रहा हूँ, अब मैं मर जाऊंगा, ऐसे बोलता था। मैं काम से बिल्कुल क्या बात क्या करूँ क्या करूँ, तो मैं उसको कहता कि जाओ दावा लक्ष्मी में घंटे भर जाके खड़े रहो,
पानी में, पानी में जाकर ठंडे पर खड़े रहो। इसको हंसी खेल नहीं समझना, कि व्याख्यान दे रहा हो ठीक है, लेक्चर बन जाओ ठीक है, प्रोफेसर बन जाओ ठीक है, किताब बढ़िया लिख लो ठीक है, दुनिया में इज्जत कमा लो वो ठीक है। जब अभिमान रहित निरहंकृत परमात्मा से जब एक हो जाएंगे तब अहंकृति छूट जाएगी। अहम जो है ये मोटर है और उसको अपनी मानना ये अहंकार है। अहम अहम कारक, जब एकमात्र परमात्मा ही निरहंकार है उससे जो एक हो जाएगा तो निरहंकार हो जाएगा और उससे अलग जिसका अहम बना रहेगा उसका अहंकार नहीं रहेगा। और पहले निरहंकार बनने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, पहले एक अहम धारण करना चाहिए जो साधक है और मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सनातन हूँ, सन्यासी हूँ, मैं भगवान का भक्त हूँ, राम का भक्त हूँ, कृष्ण का भक्त हूँ, या तो विवेक प्रौढ़ हो या तो भगवान का आश्रय ले सकते हैं। बिना परमात्मा की प्राप्ति के कोई निरहंकार और निर्वासन और निर्विकार नहीं हो सकता, अपनी वासना का ही परिपोषण करेगा।